टीना ढाबी के आदेश के बाद पाकिस्तान हिंदुओं के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई। राजस्थान में पाकिस्तानी से विस्थापित होकर आए परिवारों के घरों पर सरकार के नियमों के तहत बुलडोजर चलाया। ये घर जैसलमेर जिले में अमर सागर इलाके में स्थित थे। ये उन हिंदुओं के घर थे जो पाकिस्तान से भारत आए थे। ये परिवार काफी समय से यहाँ रह रहे थे। जैसलमेर के कलेक्टर टीना ढाबी है। कार्रवाई के बाद टीना ढाबी काफी चर्चाओं में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार UIT सहायक अभियंता की अगुवाई में इन पाकिस्तानी हिंदुओं के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई है और अब बेघर हुए ये पाकिस्तानी हिंदू DM ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और उनका कहना है कि जब तक उन्हें कहीं और सेटल नहीं किया जाता है तब तक वह ये धरना जारी रखेंगे। धरने पर बैठे परिवारों का कहना है कि उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया और महिलाओं के खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल किया गया जिसके वजह से कुछ महिलाएं घायल हो गई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के बिगड़ते हालात को देखते हुए कुछ हिंदू परिवार किसी तरह भारत आ गए थे और लंबे समय से इस इलाके में रह रहे थे। इस बारे में टीना ढाबी का कहना है कि काफी समय से अमर सागर के सरपंच और स्थानीय लोगों के तरफ से शिकायतें आ रही थी हिंदू परिवारों। उनका कहना था कि वो अवैध तरीके से जमीनों पर हक जमा कर रह रहे थे जो कि राज्य सरकार के UIT की है। उन्होंने आगे कहा कि प्रवासियों को जगह खाली करने के लिए कई बार नोटिस भेजी गई थी के बावजूद भी वो जगह खाली नहीं कर रहे। पाकिस्तान से हिंदू क्यों भारत आए? गौरतलब है कि पाकिस्तान में हालात दिन पर दिन बदतर हो रहे हैं। महंगाई अपने चरम सीमा पर है। लोग बुनियादी चीजों के लिए तरस गए हैं। ऊपर से पाकिस्तान आए दिन हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार की खबर सामने आती रहती है। ऐसे में सताए हुए हिंदू बड़ी संख्या में राजस्थान में के बॉर्डर के पास वाले इलाकों में रहने लगे थे। हालांकि यहां भी उनके सर से छत छीन ली गई। धन्यवाद।